हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी हम सितंबर की कर रहे हैं, वैसे अक्टूबर की भी लॉन्च हो चुकी है, तो आपने देख भी ली होगी। उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, तो उसमें एक्सप्लेनेशन है। वहाँ से एक्सप्लेनेशन अक्टूबर के तो आप कर ही लोगे, सितंबर में नहीं थे वो, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और आज नवरात्र है तो हैप्पी नवरात्रा। कल वीडियो नहीं आई उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा बाहर जाना था। तो आइए आज का, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये आपके लिए एक सेशन होने वाला है। ये सारे एग्जाम एक लड़के ने क्वालिफाई किए हैं 2020 में। वो आपके लिए मतलब आने वाले आगे SBI PO और IBPS कलर्क में कैसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, वो आप मुझे टेलीग्राम पर @KHICHAR_18 पे भेज दें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8094200385 इस पे भी आप भेज सकते हैं। वहाँ से मैं वो क्वेश्चन चूज किए जाएंगे, उसके बाद वो आपका सेशन बनाया जाएगा। तो जितना जल्दी आप क्वेश्चन भेजेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, उसके बाद ये सेशन आएगा। तो ये 2-3 दिन का बोला था, अब कल तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो ये 1-2 दिन और डिले हो गया। तो ये 10 तारीख से पहले पहले आपका 10 तारीख तक आ जाएगा। आज 7 हो गई ना, तो 10 तक आ जाएगा, ये 10 को आ ही जाएगा। और मैं उनसे भी बात करता हूँ जो ये सेशन लेने वाले हैं, उनको कब टाइम मिले, क्योंकि वो अभी SBI PO में जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास टाइम नहीं हो, सैटरडे संडे का ही टाइम हो। जैसे आज छुट्टी थी, पर अभी तक कोई मतलब मेरे पास इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आए कि उनके ऊपर हम वीडियो बना सकें। ठीक है, तो आप भेज देना। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 191 अपन लास्ट टाइम किए थे, उस टाइम वो लाइट नहीं थी, उस वजह से लैपटॉप डिस्चार्ज होने की वजह से। तो आगे से 192 से हम स्टार्ट करते हैं आज। इफ ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, अगर उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगी स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड। अभी 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 30 सेकेंड चलती है, ये 30 सेकेंड चल रही है, तो यहाँ पे टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 600 मीटर करेगी। अभी 600 मीटर में से 300 मीटर की तो प्लेटफॉर्म है, तो जो बच्चा 300 मीटर है उसकी ट्रेन की लेंथ रही होगी। ठीक है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए 350 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन। जो एक मालगाड़ी है वो 350 मीटर की है, उसको अगर क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों की लेंथ क्रॉस की जाएगी, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 150 मीटर क्रॉस करनी है। विच इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड ऐड होती है, तो यहाँ कितना आ गया? 180 किलोमीटर पर आवर को तो अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। 650 मीटर क्रॉस करनी थी 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? 13 सेकेंड ओनली, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी अपियर इन द अपियर फॉर एन इंटरव्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ एज सिलेक्शन इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिलेक्शन इज 1/5, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन, मतलब सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो क्या क्या चांस हो सकते हैं? या तो ए सिलेक्ट हो जाए और बी सिलेक्ट ना हो, प्लस बी सिलेक्ट हो जाए ए सिलेक्ट ना हो। सिर्फ एक तो तभी हो सकता है, जब दोनों सिलेक्ट हो गए तो वो दो हो गए, तो ओनली वन में नहीं आएगा। कोई भी ना हो तो वो 0 में आ गया, तो ओनली वन में नहीं आएगा। तो ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। बी के ना सिलेक्ट, बी के सिलेक्ट होने की 1/5 है, तो ना सिलेक्ट होने की 1 - 1/5 यानी 4/5। टोटल प्रोबेबिलिटी एक होती है, उसमें से 1/5 अगर उसकी सिलेक्ट होने की है, तो 4/5 ना सिलेक्ट होने की। तो बी के सिलेक्ट होने की क्या थी? 1/5।
एंड ए के सिलेक्ट होने की 1/3, तो ना सिलेक्ट होने की 2/3 हो गई। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ तो आ गया 4/15 प्लस 2/15 यानी 6/15, 6/15 तो ये क्या आ गया 3/2/5 सॉरी, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी हुआ कितने मतलब वर्ड बन रहे हैं, मेंसुरेशन हुआ, इनके बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये बच्चे के नहीं किए हुए हैं, तो उनमें से 1-2% के किए हुए होते हैं, तो जिनके किए हुए होते हैं उनके फायदा पहुंचाने के लिए इजी क्वेश्चन ही डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194। टेप एक्स कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड टेप वाई कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट। अनदर टेप जेड कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट। जो एक्स है वो 20 मिनट में फिल कर रहा है, वाई है वो 30 मिनट में फिल कर रहा है, जो जेड है वो 40 मिनट में एम्प्टी कर रहा है, तो मैंने एम्प्टी के लिए माइनस ले लिया, बाकी फिल के लिए प्लस ले लिया। इफ टेप एक्स एंड वाई आर ओपन्ड एंड आफ्टर 5 मिनट्स टेप जेड इज आल्सो ओपन्ड, तो यहाँ तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम यानी टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की, टोटल कैपेसिटी यहाँ से क्या आ जाएगी 120। 120 आई तो एक्स की स्पीड क्या आ गई 6, वाई की स्पीड क्या आ गई 4 और जेड की स्पीड आ गई माइनस का 3। ठीक है, एक्स एंड वाई ओपन फॉर 5 मिनट, 6 और 4 10, 10 की स्पीड से ये कितनी देर भर रहे हैं 5 मिनट, यानी 50 भर चुके हैं, तो बचा कितना 70। अनोदर टेप जेड इज आल्सो ओपन, जेड इज आल्सो ओपन मतलब जेड को भी ओपन कर दिया, पहले वाले बंद नहीं किए हैं, तो यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 3 इसी स्पीड से भरा जाएगा, यानी 7 की स्पीड से। अब ये 70 को 7 की स्पीड से भरेंगे तो यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे अपने को। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम पूछ रहा है, 10 मिनट तो तीनों को लग रहे हैं प्लस 5 मिनट एक्स एंड वाई ने काम किया था, तो टोटल कितना टाइम हो गया 15 मिनट। ठीक है, आप कर रहे होंगे ना वीडियो फोर्स करके क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे, वैसे ही करो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आते क्वेश्चन वीडियो फोर्स करो, फिर क्वेश्चन करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो कि मैंने कैसे किया है। ए शॉपकीपर आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस एंड से प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग द बुक, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस, सीपी रेशियो एमपी अपने से पूछा है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20% और 25%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के लिए ओवरऑल डिस्काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 45, ये माइनस का आएगा यहाँ पे, तो माइनस कितना आ गया ये 500 यानी 5 यानी 40% ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, ओवरऑल डिस्काउंट 40% हो गया, यानी 10 अगर कोई 5 वाली चीज थी, अगर किसी चीज का एमपी 5 था तो उसका एसपी आ गया 2, 40% डिस्काउंट यानी 60% में सेल कर रहा है तो एसपी आ गया 3। अब वो कह रहा है कि वो 20% प्रॉफिट पे बेचे, यानी 20% यानी 1/5, अगर 5 वाली चीज को अगर वो 6 में बेचे, सीपी रेशियो एसपी, तो एसपी यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग है तो सेम बना लो, तो ये 5:6 तो सीपी रेशियो एसपी आ गया, अगर एसपी को भी 6 बना लिया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एमपी कितना आ जाएगा 10, 10 आ गया, तो सीपी रेशियो एमपी क्या आ गया 1:2, एक तो ये हो गया सक्सेसिव से। इसके अलावा अगर आप सक्सेसिव नहीं लगाओ, मान लो कि 100 रुपये ही थे, 100 रुपये एमपी था, उसका 20% पे सेल कर रहा है यानी 80% पे, फिर ये जो 80% इसका आया उसके भी 25% की छूट दे रहे हैं यानी 75 पे सेल कर रहा है, ये तो क्या आ जाएगा यहाँ से एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, एमपी को एमपी मान लो। ठीक है, ये एसपी आ गया, अगर सीपी को भी मैं 120 यानी 20% प्रॉफिट भी बेचूं तो ये भी एसपी आएगा, ये भी एसपी और ये भी एसपी, यानी
दोनों इक्वल हैं? हैं जी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 और ये 5, 75 और 25 100, 4 से 4 कट गया। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 6/5, तो ये 5 से 5 चला गया, और इस 3 से ये 2 बार, तो ये क्या आ गया, सीपी रेशियो एमपी क्या आ गया, 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको सक्सेसिव नहीं पता तो। बाकी आप दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगे वो लगा सकते हो। एज ए क्वेश्चन लगाना, मतलब ऐसे नहीं कि बस मेरे को सक्सेसिव लगाना है तो सक्सेसिव ही लगाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाओ कौन से क्वेश्चन में कैसे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 196, ए बोट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट एंड द ट्रेवल बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। एक्स से वो जा रही है, फिर वहां से वापस आती है किसी वाई पॉइंट पे। ये 6 मिनट किस सेट डायरेक्शन में गई, अपस्ट्रीम गई यानी अगेंस्ट द करंट गई यानी अपस्ट्रीम गई। ठीक है, इस हिसाब से करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो दूसरी बार में अगर वो 6 मिनट चल रही है तो वो डाउन स्ट्रीम हो गई ना, एक तरीके से डाउन स्ट्रीम हो गई, तो वो लेंथ ज्यादा क्रॉस करेगी 6 मिनट में। इफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स टू वाई इज 200 मीटर, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये 200 मीटर दी है। देन फाइंड स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट बतानी है। ठीक है, अब यहां से एक बार तो देखने में लग रहा है कि सी एन डी लगा दो, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, बट अगर ये 200 मीटर नहीं दिया होता ना तो हम सी एन डी लगा देते, बट यहाँ पे 200 मीटर दिया है। अगर ये मान लो बोट की स्पीड बोट, करंट की स्पीड सी, तो ये बोट माइनस सी से गई होगी अपस्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस सी से गई होगी। ठीक है, तो ये 6 मिनट में कितना क्रॉस करेगी, 6 × b − c करा होगा। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँ, 6 को सेकंड में चेंज कर लिया तो ये 360 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, ना कि 6/60, 360 सेकंड आ गया। ठीक है, ये वाली ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस जो है ये टोटल कितनी हो जाएगी, 360 सेकंड में अगर बी प्लस सी की स्पीड से जाए तो कितनी हो गई, बट ये कितनी है, ये 200 मीटर तक ही, अगर अपन 200 मीटर इसमें से निकाल दूं मैं तो उतनी आ जाएगी ना जितनी उसने अपस्ट्रीम में कवर की थी। वो कितनी थी, बी माइनस सी इंटू 360 थी। ठीक है, तो ये 360 प्लस 360 बी प्लस 360 सी माइनस 200 इज इक्वल टू 360 बी माइनस 360 सी। ये बी से, तो ये 360 बी से 360 बी गया, इस 360 सी को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 720 सी हो गया इज इक्वल टू 200। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 200/720 आ गई। ये आई मीटर पर सेकंड में, अगर मीटर पर सेकंड में आई है तो मेरे को इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो इस 18 से ये 40 पर चला गया, और ये 40 और 5 200, तो 200 ही ऊपर 200 नीचे, तो 1 km/h करंट की स्पीड आ गई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे कंडीशन में अगर बी पूछता अपने से बोट की स्पीड तो अपने पास हुआ था सी एन डी, करंट की पूछिए तो करंट की हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, पी इन्वेस्टेड 30% मोर देन क्यू, पी क्यू से 30% मोर देन इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 30% यानी 3/10, अगर क्यू 10 कर रहा है तो पी 13, एंड क्यू इन्वेस्टेड 10% लेस देन आर, 10% यानी 1/10, अगर R 10 इन्वेस्ट कर रहा है तो Q 1 कम करेगा उससे, तो Q 9 से इन्वेस्ट करेगा। क्या इन दोनों जगह पे Q सेम है, नहीं है, तो बना लो, तो इसको तो 9 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो PQR का मेरे पास रेशियो आ जाएगा। तो ये तो आ गया 13 निमा का 117,
ये हो गया 90 और ये हो गया 100, पी क्यू आर का रेशियो आ गया। इफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल थ्री इज सेम, टाइम इन्वेस्टमेंट सेम है यानी 1:1:1 में ही रहा होगा, ये तो था इन्वेस्टमेंट का रेशियो और ये हो गया टाइम का रेशियो। द सम ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 1:7:90:100, ठीक है। ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जब आपको टाइम पीरियड सेम दे दिया तो डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं। तो पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का जो सम है ना वो 1035 है, तो ये कितना है, 117 प्लस 90, 207, 207 की वैल्यू 1035 यानी 1 की वैल्यू 5 रही होगी। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ आर, तो आर कितना है, 100, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देख लेना या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना कि समझ में नहीं आया है, तो मैं वहां पे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज वाज कैलकुलेटेड एज 20, 60 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी 21। लेटर इट वाज रियलाइज्ड दैट द एज ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज टेकन एज 54 इयर्स इंस्टेड ऑफ 24 ईयर, उसकी एज 24 होनी चाहिए थी बट हमने कितनी ले ली 54, यानी कितनी ज्यादा ले गए 30 ज्यादा ले गए ना। देन फाइंड द एक्चुअल एवरेज, 30 ज्यादा ले गए तो 30 ये जो एज है इन 60 स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को मिली होगी, सबको मिली होगी, ईच को मिली होगी, बिल्कुल। तो ये 30 ईच को मिली यानी 30/60 यानी 1/2, 1/2 सबको मिली होगी यानी 0.5, 0.5 सबको मिली होगी। तो ये जो भी एवरेज था उसमें से अगर मैं 0.5 निकाल दूं तो क्या ओरिजिनल एवरेज नहीं आ जाएगा मेरे पास, अगर उसका ओरिजिनल एज 20.5 था, उसने सबको 0.5 इंक्रीज कर दिया 24 की जगह पे 54 लेके, 24 की जगह 54 लेके, तो क्या ये 0.5 ऐड किया तो ये 21 आ रहा है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है 21। तो 21 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा 20.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंस 25% ऑफ वाटर, इफ 24 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम मिक्सचर देन फाइंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मिक्सड इन द रिमेनिंग मिक्सचर टू टेक वाटर 65% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। पहले 25% वाटर था यानी 75% मिल्क रहा होगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया 3:1, इसमें से 24 लीटर मिक्सचर आउट कर दिया तो भी मिल्क और वाटर का रेशियो तो 3:1 ही रहेगा, बट उसमें कुछ क्वांटिटी वाटर की ऐड की हमने, ठीक है, उसकी वजह से रेशियो में वाटर कितना हो गया 65%, तो मिल्क कितना रहा होगा 35% यानी 7:13 हो गया। ये क्या मिल्क को दोनों जगह कहीं चेंज किया मैंने, नहीं किया, तो मिल्क को सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो ये 7 और 39 यानी 32 ऐड किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 ऐड किया है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये पूछ रहे कितनी क्वांटिटी ऐड की है रिमेनिंग मिक्सचर, ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ रहे हैं ना, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 3 और 1 4 था रेशियो में, इस 4 की वैल्यू क्या थी 80 थी, 4 नहीं था, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, ये 7 से मल्टीप्लाई किया था 21:7 यानी ये 28 जो भी आया था ये 80 में से 24 गया तो कितना बचा 56 बचा ना, तो ये 21 और 7 28 है ना, इस 28 की वैल्यू कितनी है 56, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 32 की वैल्यू क्या हो गई 64। आई होप वो बीच में मेरे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो आपके कुछ समझ में ढंग से नहीं आया होगा, तो एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था 3:1, टोटल कितना था
80 था, तो ये 3 की वैल्यू क्या हो गई 60, 1 की वैल्यू क्या हो गई 20। तो ये 24 लेटर इसने निकाला है, जो ये 24 लेटर इसने निकाला है ये भी 3:1 में ही निकला होगा। ये कितना, 3 की वैल्यू 18 और 1 की वैल्यू 6 में निकल गया होगा, तो बचा है कितना 42:14 बचा। अभी 3:1 में ही आ रहा है ना, इतना ही तो बचा। ठीक है, अब वो 6 कुछ वाटर इसने ऐड किया, तो वाटर ऐड किया तो क्या ये मिल्क सेम रहेगा? मिल्क तो सेम ही रहेगा, तो मिल्क की रेशियो में कितना दे रखा है, 35% दे रखा है मिल्क। तो 35% की वैल्यू अगर 42 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 42/35, तो 65% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42/35 × 65 हो गई। फिर 5 से काटा तो ये 7 और ये 13, 7 से ये काटा तो 6, तो ये आ गया 78। तो ये 78 आ गया, तो ये कितना इंक्रीज हो गया, 64 इंक्रीज हुआ ना। ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 सम अमाउंट वाज लेंट एज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। RS 10,944 इज विड्रॉ एंड द रिमेनिंग ऑफ द अमाउंट इज रेफिड एट 6% पर एनम एट द एंड ऑफ द सिक्स ईयर सेकेंड ईयर। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट टू दैट ऑफ द सेकेंड ईयर इज 28:9, देन फाइंड द अमाउंट दैट वाज लेंट आउट इट इनिशियली। इनिशियल में कितना अमाउंट लिया है वो पूछ रहा है। ठीक है, मान लो 100 P प्रिंसिपल था, वो 100 P था 2 P, तो 1 साल के बाद 8% की रेट से ये कितना हो जाएगा, 108 P। बट उसने क्या किया, उसने क्या किया, 10,944 रुपये इसने वापस लौटा दिए, तो ये इतनी ही अमाउंट रह गई। इसके ऊपर इसने क्या किया, 6% की रेट लगाई, 6% की रेट लगाने से ये इंटरेस्ट यही आ जाएगा। तो 108 P - 10,944 × 6/100 आ गया इंटरेस्ट पहले वाले से, सेकंड वाले से, पहले वाले से इंटरेस्ट क्या आया था 8 P। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट टू द सेकंड ईयर इंटरेस्ट इज 28:9, यानी सेकंड ईयर का 9 और फर्स्ट ईयर का 28, ये रेशियो में दिया हुआ अपने को। तो ये 100 यहाँ से क्या नीचे नहीं आ जाएगा, कौन में आ गया, तो ये 3 से काटा तो ये 2 और ये 3, ये 7 और ये 2 P और ये 100, इसको 100 ही लिख दो। तो 7 × 2 कितना हो गया, ये 14 हो गया। 14 को 108 P से मल्टीप्लाई कर दो, 14 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 आएगा, तो ये इधर 14 हो गया। 14 × 8 108 कितना हो जाएगा, 8 × 32, 14 × 7 98 और 14 × 8 112, तो ये 1512 P आ गया, माइनस 14 × 56 आज लगी 5, 1 और 5 61 आज लगी 6, 14 निमा का 126 और 6 132 आज लगी 15 15 32 16 आ गया। ये इधर जाके 200 P तो पहले ही था, तो ये कितना हो गया 600 P, 600 P ये इधर गया, तो ये 912 P आ गया ना। 912 P की वैल्यू क्या हो गई, 15 32 16, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 32 16 × 912। स्टार्टिंग में तो एक बार गया ये, तो ये कितना आ गया, 616 आ गया। फिर 6161 हो गया, इसको 912 से गया, तो ये 9 6 54, 9 6 6 बार चला गया, 6 बार चला गया, तो 12 6 72 और 9 6 54, तो यहाँ से कितना बच गया, ये 9 8 6 8 9 रह गया, ये लास्ट में 1 6 और आ गया। ये फिर 8 बार जा रहा है, 8 बार तो नहीं जा रहा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ये देख लेना आप, यहाँ से सिर्फ ये कैलकुलेशन बची है, तो फिर 100 P की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको। ठीक है,
जो रीपेमेंट वाला होता है ना वो ऐसे ही करना पड़ता है, या फिर आपको है ना यहाँ से पहले इनिशियली ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201। इन एन एग्जामिनेशन अमन स्कोर 30 मार्क्स लेस देन मोहित। अगर अमन के मार्क्स में मैं 30 ऐड कर दूं तो उसके मोहित के मार्क्स आ जाएंगे। मोहित स्कोर 50 मार्क्स मोर देन सोनम। अगर मोहित के मार्क्स में अगर मैं 50 कम कर दूं तो सोनम के मार्क्स आ गए। रियान स्कोर 80 मार्क्स, रियान ने सिर्फ 80 मार्क्स लिए, विच इज 20 मार्क्स मोर देन सोनम, तो सोनम के कितने हो गए 60। अगर ये 60 हो गए तो मोहित के कितने हो गए 110। अगर मोहित के 110 हो गए तो अमन ही था ना, अमन के कितने हो गए 80 हो गए। विकास स्कोर 60 लेस देन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड विकास स्कोर इन द एग्जामिनेशन इफ ही गेट्स 40 मार्क्स मोर देन अमन। अमन से अगर 40 मार्क्स मोर करता है तो 120 लिए होंगे इसने, पर 120 विकास के आए, वो एग्जाम से कितने कम थे 60 कम थे, यानी इसमें 120 में 60 ऐड कर दो तो 180 एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स आ गया। ठीक है, तो ये वो 120 है, ये 180 का कितना परसेंटेज है, तो ये कितना आ गया 2/3, तो 200/3 क्या होता है 66.67%, यानी 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202। सुनील परचेज द बाइक फॉर 84,000, ही सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 20%, विद दैट मनी ही अगेन परचेज अनोदर बाइक एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। एक तरीके से अगर ये 20% जो पहले सेल किया लॉस के ऊपर उसी, तो वो जो अमाउंट मिली ना उसी के ऊपर ये 30% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी एक तरीके से बोले तो सक्सेसिव है। तो लॉस कितना था -20%, फिर प्रॉफिट कितना हो गया 30%, फिर -20 इंटू +30/100, तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया प्लस का 10, फिर माइनस का 6, यानी ओवरऑल 4% प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर, 84,000 के ऊपर 4% प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना हो गया 0। 4 × 16, 8 × 32, 3360 एज ए प्रॉफिट मिला होगा। एक तो ये मेथड हो गया सक्सेसिव वाला। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे 84,000 की थी ना, इसने 20% लॉस पे सेल किया, यानी 80% पे सेल किया होगा, तो ये इसकी अमाउंट आ गई जो इसको मिली थी, इसके ऊपर इसने 30 एक बाइक खरीदी, उसको इसने 30% प्रॉफिट की बेची, यानी 130 की बेची होगी। ये आ गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, तो ये 8 से अगर मैं पहले 840 इंटू 8 इंटू 13 आ गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0, 8 × 32 आ लगे 3, 67 20 इंटू 13, फिर 0, 13 × 2 = 26 आ लगे 2, 13 × 7 = 91, 2 93 9, 13 × 6 = 78 और 9, ये आ गया इसका टोटल ओवरऑल अमाउंट आ गया, पर उसका 84,000 था स्टार्टिंग का अमाउंट, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा 3360 प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 203। एक मिनट, 202, 202 दो बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203। रमेश हैज 80,000 विथ हिम, ही परचेज ए साइकिल ए मोबाइल एंड ए लैपटॉप 10,000 12,000 28,000, 10,000 की, 12,000 की और ये 28,000 की, क्या क्या लिया, साइकिल मोबाइल लैपटॉप रेस्पेक्टिवली एंड पुट्स द रिमेनिंग मनी, तो ये कितना हो गया 28 और 12 40, 40 और 10 50,000 उसके लग चुके, तो उसके पास 30,000 ही बचे। 10% पर एनम आफ्टर इन ए बैंक डिपॉजिट दैट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, तो ओवरऑल 21% हो गया ही से आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक
ही सेल्स ऑफ द थ्री आइटम एट 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस एंड ऑल्सो विड्रॉ हिज इंटायर मनी। अगर ये 80% के ऊपर बेच रहा है तो यहाँ से कितना मिला होगा, 4/5 यानी 40,000 रुपये ही मिले होंगे उसको इनको सेल करने पे। ठीक है, ये जो 30,000 था इसके ऊपर इसको 21% का प्रॉफिट हुआ, 21% इंटरेस्ट मिला यानी 121 मिले होंगे। ये 2 जीरो से ये गए तो ये 36300 आ गया, तो ये कितना हो गया टोटल, इसको कितना मिल गए, 76,300 मिल गए 80,000 में से। तो ये 3700 रुपये जो कम मिले हैं ये इसको लॉस हुआ होगा। व्हाट इज द टोटल चेंज इन द असेट्स, तो ये 3700 रुपये का चेंज हुआ है किसके ऊपर हुआ है, 80,000 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 37/8% हुआ माइनस का हुआ है क्योंकि कम मिला है। तो 8 चौक 32, 50, 8 छी 48, तो माइनस का 4.625% यानी ई ऑप्शन डी मत लगा देना यहाँ पे, प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 204, एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 200% फॉर ए कंस्ट्रक्शन वर्क, दे कैन कंप्लीट 5/6 ऑफ द वर्क इन 10 वीक, 10 वीक में अगर वो 5/6 काम करते हैं तो पूरा काम, मतलब 5/6 यानी 5 काम, 5 काम अगर वो 10 काम 10 दिन में 10 वीक में करते हैं तो एक काम 2 वीक में कर रहे होंगे, तो 6 काम कितने वीक में करेंगे, 12 वीक में, 12 वीक यानी 120 दिन में, 120 दिन में कर रहे हैं, कितने वर्क करें, 200 वर्क करें यानी टोटल इतना काम करना है उनको, कितना, 24,000। ठीक है, ड्यू टू रेन द वर्क स्टॉप्स एंड गेट पोस्टपोन फॉर 4 वीक यानी 4 वीक तक कोई काम नहीं किया। ठीक है, विद दिस हाफ ऑफ द वर्क डन बिफोर इज लॉस्ट, जितना इन्होंने काम किया है उसका आधा ये लॉस कर गए, ये 24,000 काम था टोटल, उसका 5/6 इन्होंने किया था पर हाफ और चला गया, लॉस्ट हो गया। तो ये जो 5/6 काम था उसका 1/2 ही बचा है रिमेनिंग, तो ये कितना हो गया, 1,000 काम हो गए, 6 दूनी 12, ये 2,000, 10,000 काम हो गए। ठीक है, 10,000 काम बचा है, 10,000 काम तो किया हुआ उनका बच गया, तो ये 14,000 काम, 14,000 14,000 काम उनका रिमेनिंग रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, वेन द वर्क अज्यूम रिज्यूम्स आफ्टर द रेन ओनली 140% टू वर्क, 14,000 काम है, सिर्फ 140 वर्कर ही काम पे आ रहे हैं यानी कितना हो गया, 100 दिन लगेंगे उनको। इफ देयर इज नो फर्दर चेंज इन द शेड्यूल, आगे के शेड्यूल में कोई चेंज नहीं हुआ, 100 दिन उनको लग रहे हैं, 100 दिन लग रहे हैं यानी 10, 1 वीक 7 दिन का होता है ना, 2/7 वीक लगेंगे उनको, कहाँ पे गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी यहाँ पे, 12 वीक लगे थे ना उनको, दोबारा बताता हूँ पूरा, 10 वीक में अगर वो 5/6 काम कर रहे हैं यानी 5 काम है वो 10 वीक में कर रहे हैं, तो एक काम कितने वीक में कर रहे हैं, 2 वीक में, तो 6 काम कितने वीक में करेंगे, 12 वीक, 12 वीक यानी 1 वीक में 7 दिन होते हैं, तो 12 वीक यानी 84 डेज, 84 डेज पर डे 200 मेंबर काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 16,800। अब ये 16,800 काम था ना, इसमें से कितना 5/6 हुआ था पर उसका भी 1/2 लॉस हो गया यानी 6 दूनी 12, 12 से इसको काटोगे तो ये 1400 आ गया, यानी 7,000 काम ही बचा है उनके पास बच, अगर 7,000 काम ही बचा है तो ये कितना बच गया, 9,800 काम और करना है उनको, 9,800 काम करना है उनको, 140 एम्प्लॉई ही आते हैं तो ये 70 दिन लगेंगे उनको, 70 दिन लगेंगे मतलब 10 वीक लगेंगे। अब ये पूछ रहा है कि ये जो टोटल काम पूरा हुआ है ना उसमें कितना टाइम लगा है, 10 वीक तो उन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था, प्लस 4 वीक उनको जो काम रोकना पड़ा उसकी वजह से लग गए, प्लस 10 वीक उनको बाद में पूरा कंप्लीट करने में लगा, इतना टाइम लगा यानी 24 वीक,
वहां पे मैंने पता नहीं क्या दिमाग में है, 1 वीक को 10 दिन मान लिया, तो 12 वीक को मैंने 120 दिन कर दिए, पर 84 डे ही होने चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 205। द एवरेज मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68। ठीक है, इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वेर मिसरीड एज 48 एंड 65, ऑफ द एक्चुअल मार्क्स 72 एंड 61, जो 48 वाला मार्क्स था उसको जो 72 वाला मार्क्स था उसको 48 लिख दिया, यानी कितना कम लिखा, 24 कम लिखा इन्होंने। 65 वाले को 61 वाले को 65 लिख दिया, यानी कितना ज्यादा लिखा, 4 ज्यादा लिखा, तो ये 4 कम करना पड़ेगा टोटल में से, और इधर 24 ऐड करना पड़ेगा, तो ओवरऑल कितना ऐड करना पड़ेगा, 20 ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स में 20 ही ऐड करना है, यानी सबके मार्क एवरेज मार्क्स में एक एक ऐड हो जाएगा, एक एक ऐड हो जाएगा, तो 68 एवरेज पहले था, एक एक ऐड हो गया तो 69 एवरेज हो जाएगा, बस 68 पहले था, एक एक सब में ऐड कर दिया तो ये 69 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 206। ए जार कंटेंस मिक्सचर ऑफ 375 लीटर वॉटर एंड मिल्क इन द रेशियो पी रेशियो क्यू, वॉटर एंड मिल्क बोला है। इफ 60 लीटर ऑफ द वॉटर एंड 40 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड इन टू द जार, द रेशियो ऑफ द वॉटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 9:10 एंड द वैल्यू ऑफ पी रेशियो क्यू। 375 पहले था टोटल, उसमें क्या किया, 60 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 40 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया, 475 हो गया। रेशियो में कितना है टोटल बाद में, 9:10 है, यानी इस 19 की वैल्यू कितनी हो गई टोटल, 475। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2 = 38, 25, एक की वैल्यू 25, तो इस 9 की वैल्यू क्या हो गई, 225, 10 की वैल्यू क्या हो गई, 250। इसमें 225 ये कब हुआ था, जब उसमें 60 लीटर वाटर ऐड हुआ था, तो इसमें से 60 लीटर अगर मैं वाटर पहले निकाल दूं तो क्या मेरे पास पहले वाली क्वांटिटी आ जाएगी वाटर की, जी, और इसमें से अगर मैं 40 लीटर मिल्क निकाल दूं तो मेरे पास मिल्क पहले वाला आ जाएगा, यानी 210, तो ये 165:210 में तो थे स्टार्टिंग में, तो इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 5 से तो जाए जा रहा है पर 3 से इसमें भी जा रहा है, 3 से इसमें भी जा रहा है, यानी 15 से काट सकता हूँ, इसको 15 से काटा तो ये तो 11 हो गया, इसको 15 से काटा तो ये हो गया 14, तो ये वाटर और मिल्क का रेशियो क्या आ गया, 11:14 आ गया, तो ये तो पी रेशियो क्यों आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था, वही पूछा है पी रेशियो क्यों, ये हो गया 11:14, यानी ऑप्शन डी ना कि ए, मिल्क टू वाटर पूछता तो 14:11 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 207। ए ग्रुप ऑफ 36 मैन एंड 24 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 9 डेज, ए वुमेन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज ए मैन टू डू द वर्क, जितना मैन एक काम को करता है उतना ही काम वुमेन को करने में दुगुना टाइम लगता है, काम सेम है तो टाइम का जो रेशियो है वो इफिशियंसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी 2:1 इनकी मैन और वुमेन की एफिशियंसी आ गई। जब 36 मैन प्लस 24 वुमेन मिलके 9 दिन में टोटल काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मैन और वुमेन की अगर मैं एफिशिएंसी रखूँ तो ये तो हो गया 72, ये हो गया 24, यानी ये कितना हो गया 96, तो टोटल वर्क कितना हो गया 96 × 9। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डेज विल 16 मैन टेक टू फिनिश द वर्क, 16 मैन यानी एफिशिएंसी एक मैन की 2, यानी 32 काम एक दिन में करेंगे, वो 32 काम एक दिन में करेंगे तो 96 × 9 काम कितने दिन में करेंगे, 3 से, यानी 27 डेज आ गए, यही पूछा था ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 208। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12.5% लेस देन, 12.5% यानी 1/8 लेस देन, यानी अगर 8 उसकी थी ओरिजिनल तो ए 1 लेस यानी 7 का रहा होगा, तो ये जो सर्कल था ना उसकी रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या मीटर जो भी आगे दे रखा है,
लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ द स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर रहा होगा, तो ये 70 मीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, 2 × π r से 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया, 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इस 8 की वैल्यू क्या हो गई 16, इस 7 की वैल्यू क्या हो गई 14। पूछ कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस 8 की वैल्यू 16 भी देना, तो इसका इसको एरिया क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी 256। ये ऑप्शन तो आप पहले से भी काट सकते थे, ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे हो सकता है ये 16√2 आ जाता, तो ये जरूरी नहीं है डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये हो भी सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 209। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 50% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। एवरेज एज फादर और सन, ए प्लस एस बाई टू हो जाएगा, ये कितना है, जो सन की प्रेजेंट एज है ना उसका 50% मोर देन, यानी सन की एज को अगर मैं 3/2, 50% मोर यानी 2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो जाएगी। अगर मैं सन की एज को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एवरेज आ जाएगा, 2 से 2 घट गया, तो ये इधर तो आ गया 3 सन, उधर आ गया सन, एक सन इधर भेजा, तो ये फादर इज इक्वल टू 2 सन हो गया, यानी फादर और सन की जो एज में रेशियो वो आ गया 2:1 आ गया, 2/1। अब ये क्या हो रहा है, इफ 4 ईयर हेंस द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 68 ईयर, आज से 4 साल बाद इनकी एज का टोटल कितना हो जाएगा 68, तो ये 4 साल की एज के अंदर फादर की भी इंक्रीज हुई होगी, सन की भी इंक्रीज हुई होगी, तो ओवरऑल कितनी इंक्रीज हुई, 8 ईयर इंक्रीज हुई, तो ये 68 में से अगर 8 निकाल दूं मैं तो 60 ईयर ये प्रजेंट की उन दोनों का सम आ जाएगा, प्रजेंट का रेशियो में सम कितना है 3, तो इस 3 की वैल्यू क्या हो गई 60, एक की वैल्यू क्या हो गई 20। अब पूछ क्या रहे, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज रेशियो में कितनी है 2, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 210। ए मैन सोल्ड सम पार्ट आउट ऑफ द 100 kg शुगर एट 8% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 18% प्रॉफिट, इफ ओवरऑल ही ऑब्टेंड 14%, तो यहाँ क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा, तो ये कितना हो गया 8%, ये 18%, तो ये 14%, तो यहाँ से ये डिफरेंस कितना आ गया 4 और ये 6, यानी ये रेशियो क्या आ गया 2:3, ये किसका रेशियो होता है ओरिजिनल क्वांटिटी का, तो ये 5 की वैल्यू क्या आ गई 100, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 20। तो पूछ क्या रहे, देन द सॉल्ट ऑफ द 8% प्रॉफिट, तो 8% प्रॉफिट पे 2, 2 की वैल्यू क्या आ गई 40। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 211। 230 तक करेंगे आज, ये टारगेट रखा है, बाकी जितने हो पाते हैं उतने तो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक स्कोर 488 मार्क्स इन एन एग्जाम, दीपक ने कितने लिए 488, एंड अंजू गोट 48% मार्क्स इन द सेम एग्जाम, विच इज 56 मार्क्स लेस देन दीपक, तो अंजू के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 488 से 56 लेस यानी 432, इस 432 की वैल्यू उसने क्या दिया 48% ही दिया है, तो यहाँ पे 1% निकालते हैं तो ये 9 आ गया, तो 100% कितना हो जाएगा एग्जाम का 900 हो गया, यानी 900 मार्क्स था। इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 33%, यानी पासिंग मार्क्स अगर निकालूं तो इसका 33% यानी 297 आ गया, देन हाउ मच मोर मार्क्स डिड दीपक स्कोर द मिनिमम मार्क्स, दीपक ने 488 मार्क्स लिए, मिनिमम लाने कितने थे 297, ये कितना ज्यादा ले गया 191। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 212। ए मर्चेंट बाइज टू आइटम्स फॉर ₹16,000, वन आइटम ही सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 18% एंड द अदर आइटम इज एट 16% लॉस, इन द डील द मर्चेंट मार्क्स नाइदर एनी प्रॉफिट नोर लॉस, यानी उसको कुछ भी ना तो प्रॉफिट हुआ नोर लॉस हुआ, यानी 0% पे बेचा इसने, अगर उसका 18% प्रॉफिट पे बेच रहा है पहले वाले से,
दूसरी वाली -16% पे, तो इसको परसेंटेज 0% हुआ, यानी ये 18 और ये 16 का रेशियो रहा होगा, यानी 7:8:9 में। तो यहाँ पे ये टोटल कितना आ गया, 7:17, और 17 की वैल्यू क्या दे रखी है, 16,000। पहली बात तो ये, तो यह गलत है, वरना ये 16,000 तो नहीं, कुछ ना कुछ कटने वाली वैल्यू देता। पूछ कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम। तो मैं आपको इसी 16,000 से बता देता हूँ, अगर ये 16,000 इस 17 की वैल्यू है, तो इस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गई। इस 8 वाली को इसने क्या किया, 18% प्रॉफिट, यानी 118/100 पे बेचा होगा, ये तो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई पहले वाले की। दूसरे वाले की क्या आ जाएगी, 16,000 16,000 upon 17 into 9 इंटू, इसने 16% लॉस पे यानी 84 पे ही बेचा है, तो ये सेकेंड वाले की SP आ गई। तो यही पूछ रहा है इन दोनों SP में डिफरेंस क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे, यहाँ पे ये डाटा सही नहीं था। वैसे 16,000 के अगर जगह 17,000 होता तो भी आंसर 17,000 होता तो आ सकता था, मतलब 17 का मल्टीपल होगा, वो जो 16,000 दे रखा है वो 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 213, ए मैन डिवाइडेड हिज शेयर टू हिज सन्स पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पी एट 30% पर एनम फॉर 6 ईयर इज डबल। इंटरेस्ट की बात कर रहा है, अगर इसने पी और क्यू में ही दिया होगा तो ये पी की वैल्यू क्या आ गई, पी आ गई 30% पर एनम, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ये तो इसका इंटरेस्ट आ गया पहले वाले का। सेकेंड वाले का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 24% के ऊपर, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ये सेकेंड वाले का इंटरेस्ट आ गया। ये क्या बोल रहा है, जो पहले वाला है वो डबल है, अगर पहले वाला डबल है तो मैं अगर सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो पहले वाले के इक्वल हो जाएगा। पहले वाला अगर उसका डबल है सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाले का डबल ही तो है पहले वाला, तो सेकंड वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले वाले के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही क्या आ गया, पी इंटू 180%, ये तो 180% हो गया, ये कितना हो गया, 240 into 2 480%, यानी 0 से 0 गई, परसेंटेज से परसेंटेज गया। तो ये कितना आ गया, 6 से काटोगे तो 3:8 में आ गया, मतलब 3 पी इक्वल 8 क्यों आ गया, तो पी अपॉन क्यों क्या आ जाएगा, 8/3। तो इनके शेयर किस में डिवाइड किए होंगे, इसने 8/3 में डिवाइड किए होंगे, फिर से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 214, इन ए स्कूल देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाई 20% एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 32%, देर वुड बी 18 मोर गर्ल्स देन बॉयज, सिर्फ 18 गर्ल्स ज्यादा होंगी उसकी वजह से। इसने ये 30 गर्ल्स तो पहले से ज्यादा थी, ठीक है, ये 30 गर्ल्स पहले से ज्यादा थी, उसने गर्ल्स में इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, सिर्फ 20% का इंक्रीज किया, यानी 6 गर्ल्स पहले से इंक्रीज हो गई, यानी ओवरऑल ये 36 गर्ल्स ज्यादा हो गई, अगर बॉयज को मैं सेम मानूँ तो, पर बॉयज सेम नहीं हो रहे, बॉयज की वजह से। अब ये इनमें डिफरेंस कितना रहा है, देयर वुड बी 18 मोर गर्ल्स, यानी यहाँ पे ये जो बॉयज रहे होंगे ये इनसे सिर्फ 18 ही कम रहे होंगे, सिर्फ 18 ही कम रहे होंगे, यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। कितना इंक्रीज किया था बॉयज में, 32% इंक्रीज किया था। ये वाली क्वांटिटी जो किसी में ये ऐड हो रहे हैं, ये वाली सेम ही है, तभी तो ये दोनों कट के सिर्फ 18 का डिफरेंस रहेगा। हाँ जी, तो क्या मेरे पास, मैं ये मानूं कि 100 यूनिट बॉयज थे तो गर्ल्स कितनी हो गई, 100 यूनिट प्लस 30 गर्ल्स हो गई, इसमें अगर 32% का इंक्रीज किया तो ये 132 यूनिट हो गया, इसमें अगर 20% का इंक्रीज किया तो ये 120 यूनिट और +36 हो गया। अब भी गर्ल्स ज्यादा है, यानी 120 यूनिट प्लस 36 -132 यूनिट बराबर कितना, कितनी ज्यादा, 18 ज्यादा, ये कितना आ गया, 36 -12 यूनिट बराबर 18, तो
एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 3/2। एक यूनिट की वैल्यू 3/2, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 150। इसकी वैल्यू अगर 150 तो ये 30 ऐड होके कितना हो जाएगा, 180। तो ये टोटल कितनी आ गई, 330। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यही पूछा था, 330 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 340, 215। द एवरेज एज ऑफ 80 बॉयज इन ए क्लास ऑफ 15 ईयर, जो 18 बॉयज हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 15 ईयर। द एवरेज ऑफ एज ऑफ द 15 बॉयज इन द क्लास ए ग्रुप ऑफ 16 ईयर, जो 15 लड़के हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 16। एंड द एवरेज ऑफ अनदर 24 बॉयज इन 25 बॉयज की एवरेज एज कितनी है, 14 है। ओवरऑल 80 है, 80 की 15 है। एंड व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इन द स्कूल, 80 की 15 थी। अगर मैं इन 15 और 25 को बोल दूं कि आप घर जाओ, ये 15 वाले घर गए यानी 16 एवरेज घर लेके चले गए, यानी कितनी ज्यादा ले गए, एक ज्यादा ले गए। अगर एक जना एक ज्यादा ले गया तो 15 जने कितने ज्यादा ले गए, 15 ज्यादा ले गए। इन 25 को बोला बाद में आप घर चले जाओ, तो ये 14 लेके गए यानी एक एक छोड़ के गए, तो एक एक छोड़ के गए, तो ये 25 कितनी छोड़ के चले गए, 25 छोड़ के चले गए। तो ये कितनी कितनी ओवरऑल कितनी, मतलब ये 15 और 25 टोटल इनको करें तो ये 40 स्टूडेंट्स हो गए। इन 40 स्टूडेंट्स में ये ओवरऑल कितनी, मतलब यहाँ पे रख के गए अपनी एज 10 रख के गए, तो ये जो 10 है इन 40 जो बॉयज बच गए रिमेनिंग, 80 माइनस 40 40, तो इस 40 में ऐड हो जाएगी। तो ये 10 अगर ऐड हुई 40 में तो एवरेज यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.25 आ गया। ये 0.25 क्या हुआ, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो यहाँ पे रख के गए, मतलब यहीं पे छोड़ के गए थे, ठीक है, मतलब ये इतनी बचा के गए थे अपनी एज में से, तो ये 0.25 इंक्रीज हुआ। तो 15 पहले था तो ये 15.25 हो गया। ऐसे नहीं करना चाहो तो ये 15 और 80 का टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 1200 आ गया, यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 240, यहाँ से टोटल कितना आ गया, 350, यानी ओवरऑल 590 चला गया। तो ये बचा कितना, 610। ये 610 किसकी है, 40 बॉयज की, यानी 15.25। ये भी कर सकते हो, कोई ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगना था। नेक्स्ट 216, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 × π r, कितनी दी हुई 88, तो ये 22 × 2 44, 44 से ये गया तो 2, तो r बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, अगर ये इस एक की वैल्यू 14 है तो इस दो की वैल्यू क्या आ गई, 28। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू दैट दो स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 5/r2। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 28 × 28, यहाँ से ये दो, ये भी दो, तो ये 4 नीचे आ गया, 4 नीचे आ गया, तो 1, 2 से तो ये चला जाएगा, तो ये 11 × 14। इससे ए मत लगा देना यहाँ पे, ये देख लेना, स्क्वायर टू सर्कल पूछा है, सर्कल टू स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे सर्कल टू स्क्वायर पूछा था। 217, टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इज 200% ऑफ द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 48 किलोमीटर, 48 48, टोटल डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम का रेशियो है वो क्या दे रखा है, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, 2:1 दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, अपोजिट हो गया। अब वो बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 48 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, 48 अपस्ट्रीम जाता है यानी एक की स्पीड से जाता है यानी एक यूनिट से जा रहा है, प्लस सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इज 9 आवर, इस यही 48 डिस्टेंस ये 9 आवर जा रहा है, मतलब 2 यूनिट की स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 9 आवर। इस 2 से ये काटा तो ये 24 आ गया, नीचे यूनिट यूनिट सेम है तो ये ऊपर वाला कितना हो गया, 72, तो ये कितना आ गया, 9। इस 9 से इसको काटूंगा तो मैं ये 8 आ गया, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8 आ गई। तो इस 2 की वैल्यू क्या हो गई, 16, इस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 8,
अब क्या पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ द बोट पूछ रहे हैं। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 16 + 8 / 2 यानी 12 है। अब ये ऐड वाला क्या था, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस वाटर। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट माइनस वाटर। अगर मेरे को यहाँ से बोट निकालना हो, ये कितना था 16 और ये 8, बोट निकालना हो तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 बोट इज इक्वल टू 24, तो एक बोट की वैल्यू क्या आ गई, 12। बस यही किया था, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अगर यही कर वाटर की स्पीड पूछता तो ये 16 - 8/2, क्योंकि यहाँ पे फिर ये अपन माइनस और ये प्लस और ये माइनस करते तो ये प्लस से प्लस और ये माइनस वाला कट जाता। नेक्स्ट देखते हैं, 218 एन एलॉय कंटेन्स जिंक एंड कॉपर इन द रेशियो 5:8, 5:8 एंड अनोदर एलॉय कंटेन्स जिंक एंड कॉपर, इसमें भी जिंक एंड कॉपर ही दिया हुआ था, इसका रेशियो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ द एलोयज आर मेल्टेड, इक्वल अमाउंट, ठीक है, तो ये कितना है रेशियो में टोटल 13 और ये रेशियो में कितना है 8 है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए इसको 8 और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 40, ये 40 हो गया, तो ये कितना हो गया 64 और ये कितना हो गया 65 और ये 39। अब इन दोनों को मिलाया है तो जिंक जिंक तो ऐड हो जाएगा, जिंक कितना हो गया 40 + 65। दूसरा यहाँ पे कॉपर कितना हो गया 64 + 39, ये कितना हो गया 105:103। यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते थे, एलिगेशन कैसे लगाते, एलिगेशन का हमें दिया हुआ नहीं है तो अपन अगर मान लेते कि यहाँ पे मिक्स कितना हुआ है, x:y में मिक्स हुआ है, ये 5/13 हो गया पहले वाला। अगर जिंक से मैं लेऊं, इसमें जिंक से लेऊं तो ये 5/18, इसमें जिंक से लेऊं तो ये हो गया x/x + y। तो यहाँ से ये जो डिफरेंस आएगा ना ये इक्वल है, क्योंकि यही तो रेशियो में इक्वल लिया उसने, तो ये 1:1 आ जाएगा। यहाँ से एक्स और वाई के फॉर्म में एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा, ऐसे इसमें एलिगेशन भी लग सकता। 219 दिनेश एंड दीपक कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज। दिनेश कितने दिन में काम कर रहा है, 45 डेज में। दीपक कितने दिन में काम कर रहा है, 40 डेज में। दे बिगन द वर्क टूगेदर बट दिनेश लीव्स, मतलब ये दो ही काम कर रहे हैं तो ये 9:5 और ये 8:5, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 × 8 × 9 यानी 360। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ गई, इसकी 8 आ गई और इसकी क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, बट दिनेश लीव्स द सम टाइम सम डे आफ्टर सम डेज एंड दीपक फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। मतलब जो ये दीपक है ये 23 डेज एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो ये 23 डेज 9 की स्पीड से कितना काम कर लेगा, 9 × 3 = 27, 7 = 2, 207 काम कर लिया इसने, 360 काम टोटल था। 207 काम तो दीपक ने अकेले ने किया है उसके जाने के बाद, यानी 150 इन दोनों ने मिलके किया होगा, तो ये 153 काम इन दोनों ने मिलके किसकी स्पीड कितनी स्पीड से किया था, 17 स्पीड से। तो ये 17 स्पीड से ये 9 दिन में ही काम कर चुके थे, तो यानी 9 दिन के बाद दिनेश काम छोड़ चुका था, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था, यहाँ से ये 360 काम आ गया। अब दीपक क्या कर रहा है, दीपक सिर्फ 23 दिन काम कर रहा है ना, दिनेश चला जा रहा है। मैं कह रहा हूं दिनेश को जाने मत दो, दिनेश को आप जाने ही मत दो, तो दिनेश जाने नहीं, दिनेश को जाने नहीं दोगे तो वो भी 23 दिन काम करेगा, 23 दिन काम करेगा, किसकी एफिशिएंसी से काम करेगा, वो 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितना काम ज्यादा करेगा, 184 काम करेगा, ये 184 काम ज्यादा करेगा। तो ये 184 अगर काम ज्यादा करता है, आज भी 10% का मैसेज आ चुका है, लाइट नहीं है बिल्कुल, चार्ज करके लाया था दूसरों के घर, ये 184, तो ये 360 में 184 ऐड कर देंगे तो इतना काम हो जाएगा, तो ये 444 टोटल काम हो जाएगा। अब ये कर किससे रहे हैं भाई, 44 ही हुआ ना, ये कितना, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, दिनेश ही है ना, हाँ ठीक है, 544 काम हो गया। ये किससे काम कर रहे हैं, 17 की स्पीड से काम कर रहे हैं, कितने दिन काम करेंगे, 32 डेज में काम पूरा होता,
बट लास्ट के 23 दिन तो वो किया था ना, तो ये 9 दिन जो 9 दिन आए थे वही तो दिनेश के दिन आए होंगे। ठीक, बस मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 220 कराने का आइडिया था, पर 219 ही हो पाएंगे 10% का। कभी भी ये शटडाउन हो सकता है। जो ही लाइट, मैं दूसरों के घर जाके, मतलब हमारे घर पे तो लाइट है नहीं, इन्वर्टर है वहां पे, तो वहां से ये वीडियो अपलोड करता हूँ। अब शाम का DI का वीडियो भी बनाने का मेरा मन था, पर लाइट पे डिपेंड करेगा। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। जो चैनल पे एक कम्युनिटी बना हुआ है ना, वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन देख लिया करो आगे की। कल भी मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन डाली थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नवरात्र चल रहे, माता रानी आप पे आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही बढ़ते रहिए।